गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं मोटिवेशन अभिप्रेरणा। संस्था की सफलता के लिए भौतिक संसाधन तथा मानवीय प्रयासों का प्रभावी उपयोग करना पड़ता है। भौतिक संसाधनों का कुशल एवं अकुशल उपयोग आधुनिक तकनीकों की सहायता से किया जा सकता है, किंतु मानवीय संसाधनों का कुशल तक पूर्वक उपयोग करना एक जटिल और चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस चुनौतीपूर्ण कार्य की सफलता में दो बातों पर निर्भर करती है, प्रथम व्यक्ति की योग्यता, दूसरी है व्यक्ति की कार्य करने की इच्छा। वस्तुतः जब ये दोनों ही बातें विद्यमान होती हैं तो संस्था की सफलता के चार चांद लग जाते हैं। केवल व्यक्ति की योग्यता ही संस्था की सफलता सुनिश्चित नहीं कर सकती है, उनकी कार्य करने की इच्छा तथा भावना भी होनी आवश्यक है। ऐसे में लोगों की कार्य करने की भावना तथा इच्छा को प्रभावित करने वाले रहस्यों का उद्घाटन करना उन्हें समझना आवश्यक हो जाता है। आज हम इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा से तात्पर्य उन शक्तियों और कारणों से है जो किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष प्रकार से व्यवहार या कार्य करने हेतु प्रेरित करती है या क्रियान्वित या सक्रिय बनाती है। इन शक्तियों या कारणों में व्यक्ति की आवश्यकता, इच्छा, अभिलाषा, आकांक्षा, लालसाएं और प्रबल और प्रेरणाएं आदि सभी सम्मिलित होती हैं। ये शक्तियाँ उस व्यक्ति में किसी विशेष प्रकार की आचरण या व्यवहार को करने में तत्पर उत्पन्न करती है। इसी कारण से कभी कभी अभिप्रेरणा से तात्पर्य किसी व्यक्ति की किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति हेतु परिश्रम करने की उत्सुकता और या तपस्या से भी लगाया जा सकता है। प्रबल शास्त्र से में संदर्भ में अभिप्रेरणा से तात्पर्य शक्तियों या कारणों के उन समूह से हैं जो कर्मचारी की संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु गंभीर प्रयास करने के लिए उत्सुक या तत्पर बनाने हेतु प्रेरित करती है। हम इसकी परिभाषा लेंगे। सबसे पहले मैक्टीफॉर्डलैंड के अनुसार अभिप्रेरणा मूलतः मनोवैज्ञानिक है। इसका संबंध किसी कर्मचारी अथवा अधीनस्थ कार्य कर रही उन शक्तियों से है जो उसे किसी कार्य को विविध करने अथवा न करने के लिए प्रेरित करती हैं। रॉबर्ट डुबिन ने लिखा है, अभिप्रेरणा एक जटिल शक्ति है जो किसी व्यक्ति को किसी कार्य में प्रारंभ करने तथा उसे करते रहने देती है। अभिप्रेरणा ऐसी शक्ति है जो किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने हेतु प्रेरित करती है तथा जो कार्य प्रारंभ किया जा चुका है उसके कार्य में सक्रिय बनाती है। बीच के अनुसार अभिप्रेरणा किसी लक्ष्य या पुरस्कार प्राप्त करने हेतु क्षमताओं के उपयोग की उत्सुकता है। अभिप्रेरणा प्रबल प्रक्रिया या कार्य के रूप में अभिप्रभाषित की जाती है। अभिप्रेरणा कर्मचारी की उन शक्तियों से कार्य या आचरण करने हेतु प्रेरित या प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया है जिसे संस्था के उद्देश्यों का प्रभावपूर्ण एवं कुशलता के साथ प्राप्त किया जा सकते हैं। अभिप्रेरणा से तात्पर्य उन शक्तियों कारणों से है जो कर्मचारी की संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सदैव उत्साहपूर्वक गंभीर प्रयास प्रशिक्षण करने के लिए प्रेरित करती है। अभिप्रेरणा आंतरिक एवं बाह्य शक्ति से उत्पन्न होती है। ये शक्तियाँ लोगों के व्यवहार को ऊर्जान्वित एवं निर्देशित करती है तथा व्यवहार के चिरस्थायी बनाए रखती है ताकि वह संस्था के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सदैव गंभीर प्रयास करने हेतु उत्सुक बने रहें। यह उल्लेखनीय है कि आंतरिक शक्ति व्यक्ति के भीतर से जन्म लेती हैं। इन्हें प्रेरणाकारी या उकसाने वाली शक्तियों के नाम से जाना जाता है क्योंकि इन्हें जन्म लोगों की आंतरिक शक्तियों से उत्पन्न होता है। बाहरी शक्तियां लोगों को आसपास के वातावरण में जन्म लेती हैं। ये शक्तियां लोगों को अपने अनुकूल व्यवहार करने हेतु आकर्षित और बाध्य करती हैं। एक प्रबंधक के दृष्टिकोण में अभिप्रेरणा से तात्पर्य उन शक्तियों से है जिसके द्वारा प्रबंध अपने कर्मचारी के आचरण व्यवहार को ऊर्जान्वित एवं निर्देशित करता है तथा उसे चिरस्थायी बनाए रखने का प्रयास करता है ताकि उन्हें संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उत्सुकता से गंभीर प्रयास और प्रशिक्षण करने के लिए प्रेरित किया जा सके। अभिप्रेरणा के आज मैंने आपको ये बताया कि अभिप्रेरणा क्या होती है, इसकी परिभाषा के बारे में मैंने बताया। तो अभिप्रेरणा में अनेक प्रकार से परिभाषित किया है।
सर्वप्रथम अभिप्रेरणा से तात्पर्य उन शक्तियों और आवश्यकता से है जो कर्मचारी को सदैव संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उत्सुकता एवं तत्परता से गंभीर प्रयास करने हेतु प्रेरित करती है। एक प्रबंधकीय दृष्टिकोण से अभिप्रेरणा वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत प्रबंध अपने कर्मचारियों के व्यवहार को ऊर्जान्वित एवं निर्देशित करता है तथा उसे व्यवहार को चिरस्थायी बनाने रखने का प्रयास करता है ताकि उन्हें संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सदैव उत्सुकतापूर्वक गंभीर प्रयास करने हेतु प्रेरित किया जा सके। नेक्स्ट मनोबल व्यक्ति एवं समूह व्यवहार है। वह अपने कार्य और कार्यस्थिर के बारे में भावना है। इस प्रकार अभिप्रेरणा मनोबल में प्रकृति और अवधारणा परिणाम से भिन्न है। तो ये अभिप्रेरणा की परिभाषा और अर्थ मैंने आपको समझाया। बच्चों अपनी बुक्स के अंदर जरूर पढ़िएगा। मोटिवेशन हमारी लाइफ में हर जगह जरूरी है। मोटिवेशन ये जरूरी नहीं है कि हम एक संस्था में ही कर्मचारी को मोटिवेट करें। हम अपने घर परिवार में भी अपने आसपास के माहौल के लोगों को भी मोटिवेट करते हैं किसी को काम करने के लिए, उसमें ऊर्जा भरने के लिए, उसे प्रोत्साहित करने के लिए उसे मोटिवेट समय समय पर करते रहना चाहिए जिससे कि हम अपने अनुकूल उससे काम कराया जा सके और सब कुछ ढंग से चल सके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।